नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयंत और इंडिया ट्रेवल विड्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत में प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहे लोहगढ़ किले को। पिछले साल हमने यह वीडियो मराठी में भी बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। आज हम भांजे गाँव से चलते हुए लोहगढ़ किले पर जा रहे हैं। भांजे गांव से किले पर जाने का रास्ता गूगल मैप में देख सकते हैं। यह पूरा रास्ता 4 किलोमीटर का है। जो लोग मड़वली तक रेलवे से आते हैं उन्हें इसी रास्ते से जाना पड़ता है। यह रास्ते में बहुत सारे झरने दिखाई देंगे और इन सुंदर नजारों को देखते रास्ता कट जाता है। बाइक या कार से आप किले के बेस तक जा सकते हैं। 40-45 मिनट में आप किले के बेस तक पहुंच जाते हैं। आपको अगर हाइकिंग की आदत नहीं है तो आपकी हालत पसीने पसीने हो जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं। यहाँ सामने बौद्धकालीन गुफा नजर आ रही है, वह इस किले के प्राचीनता का एहसास दिलाती है। 5-10 मिनट चलने के बाद आपको सामने पवना डैम का सुंदर नजारा दिखाई देता है। और यह है विसापुर किला। लोहे जैसे मजबूत दीवारों के कारण ही इस किले का नाम लोहगढ़ है। थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको किले का पहला दरवाजा यानी गणेश दरवाजा दिखाई देता है। यह लकड़ी का दरवाजा 2000 किलो का है। दरवाजे पर लगे हुए इस एक कील का वजन करीबन 16 किलो है। यहां पर पुराने जमाने की कुछ तोहफे पड़ी हुई है। सामने एक शिलालेख पड़ा हुआ है, इस पर पेशवाओं के जमाने के किलेदार का नाम लिखा हुआ है। बगल में ही वॉच टावर जैसी जगह है। यहां पर बने हुए झरोके से किले के एक भाग पर पूरी तरह से नजर रखी जाती थी। दीवारों पर यह जंगली फूल भी खिलते हैं। यहां पर बहुत सारी राजवंशों का राज था, जैसे कि सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजाम, मुगल, मराठा और आखिर में यह किला ब्रिटिशों के हाथ था। सन 1818 तक यह किला पेशवाओं के पास था, लेकिन उसके उपरांत उन्होंने यह किला ब्रिटिशों को सौंप दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला 1648 में जीता था। 1665 में पुरंदर के तह के मुताबिक मोगलों को लौटा देना पड़ा था, लेकिन 5 साल में ही उसे वापस जीत लिया। यहां पर नीचे एक छोटा दरवाजा है, उसे दिंडी दरवाजा कहते हैं। नीचे लोहगढ़ गांव दिखाई देता है। सामने चलते चलोगे तो पवना डैम का पानी दिखाई देता है। और किले की ओर देखोगे तो इस किले की विशेषता रही गोलाकार आकार की दीवार दिखाई देती है। और ये है गुप्त दरवाजा। आपातकालीन समय में इससे बाहर निकला जा सकता था। और यह है उस जमाने के सैनिकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला शौचालय,
और उसी की बगल में आपातकालीन समय में किले से बाहर निकलने का एक छोटा सा रास्ता। अब दिंडी दरवाजे से ऊपर चलते हैं। दो मजबूत दीवारों से निकलता हुआ रास्ता हमें किले के दूसरे दरवाजे तक पहुंचा देता है। इसे महादरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। चलो तुम्हें दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से में लिए चलते हैं। घने कोहरे में इस किले की पहचान बनी हुई संरचना दिखाई देती है। दरवाजे से वापस जाने पर आपको यहाँ गुफा दिखाई देगी। इसे धान्य का गोदाम बताया जाता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि यह पुराने जमाने की पानी की टाकी ही है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम अभी नारायण दरवाजे के पास पहुंच चुके हैं। पीछे नजर घुमाकर एक बार देख लिया जाए। इस दरवाजे में सैनिकों के लिए जगह बनाई गई है। दो कदम चलते ही हम हनुमान दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि ये किले का सबसे पुराना दरवाजा है। यहां से थोड़ा और आगे एक छोटा दरवाजा है जो कि किले का आखिरी दरवाजा है। यहां पर बारिश में भीगते हुए हमारे सहकारी। यहां पर आपको सामने ही एक इमारत दिखेगी। इसका नाम राजा रानी का मंदिर बताया जाता है, लेकिन अंदर जाते ही असल में ये एक दरगाह है। बगल में ही शिवकालीन सभागृह के वास्तु के अवशेष है। सिर्फ इमारत की नींव ही बची हुई है। उस पर पुरानी तोहफे रखी गई है। दाई ओर से आगे जाने पर आपको दो गुफाएं दिखाई देगी। इन गुफाओं को घोड़े का अस्तबल बताया जाता है, लेकिन इतनी संकरी जगह पर कोई अपनी घोड़े कैसे रखेगा। आगे जाने पर थोड़ी ही देर में आपको और एक गुफा दिखाई देगी। इसे लक्ष्मी कोठी का नाम दिया गया है। यहां पर 100-200 लोगों के सोने की व्यवस्था हो सकती है। अंदर शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को लूट कर लाई हुई संपत्ति यहीं पर रखी थी। आपको यहां पर पत्थर में खुदा हुआ तालाब दिखाई देगा। इसमें कई रंग बिरंगी मछलियां हैं। थोड़ा आगे खुला मैदान है और कोहरे में डूबा हुआ पीर बाबा का दरगाह दिखाई देता है। यहां से आगे बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ था। कुछ भी दिखने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन वहां से विंचू कड़ा दिखाई देता है। बिच्छू के पूंछ की तरह दिखता हुआ यह किले का एक भाग है। अब हम लौट रहे हैं। इस बार हम किले के दूसरी ओर के रास्ते से जाएंगे। रास्ते में 16 बाजू वाला तालाब है, जिसका निर्माण श्रीमंत नाना साहब पेशवा ने किया था। थोड़ा आगे आप रिवर्स वाटरफॉल का भी आनंद ले सकते हैं। जोर से बहती हुई हवा के कारण ऊपर उड़ता हुआ पानी। किले पर ऐसे कई छोटे छोटे पानी के कुंड बने हुए हैं। इस तालाब का नाम अष्टकोणी तालाब है, क्योंकि इसकी दीवारें 8 कोनों में बंधी हुई है। आगे भगवान शिव जी का मंदिर है और मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। हम अब चक्कर लगाकर जहां से निकले थे वहीं पर वापस आ गए हैं। सब लोग निकल पड़े।
रास्ते में विसापुर किला नजर आता है। इस परिसर में और दो तीन किले हैं, जैसे कि तिकोणा, तुंग और मोरगिरी का किला। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।